हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि रेज़र यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम होती है और आपको रेज़र यूज़ ना करके वैक्सिंग क्यों करवानी चाहिए। देखिए, ये जो मेरी क्लाइंट है, इनकी जो लेग्स के नीचे वाले हेयर्स हैं कितने हैवी हो चुके हैं क्योंकि ये रेज़र का यूज़ करती हैं, पर जो ऊपर के पार्ट के हेयर्स हैं, देखिए वे कितने सॉफ्ट एंड स्मूथ हैं। और इनको रेज़र यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये जब शॉर्ट्स पैंट वगैरह डालती हैं तो वह हेयर्स विजिबल होते हैं। अगर आप घर पर भी रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो देखिए, रेज़र यूज़ करने से हेयर ग्रोथ कम नहीं होने वाली, इवन हेयर आपके इस टाइप के हो जाएंगे जैसे कि आपको इनके शो किए जा रहे हैं। अब हम करने जा रहे हैं इनकी वैक्सिंग क्योंकि ये रेज़र यूज़ कर करके थक चुकी हैं और इतनी हैवी ग्रोथ आने लगी है जिससे इनको प्रॉब्लम होती है और ये बाल इनको चुभते भी हैं और काफ़ी लंबे हेयर्स हो चुके हैं। तो ये वैक्सिंग करवाने आई है। वैक्स हमने ली है मिल्की वैक्स, वैक्सिंग स्ट्रिप का यूज़ किया है, वैक्सिंग नाइफ लिया है, टेलकम पाउडर का यूज़ किया है और आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ किया है। और गाइस, आपने टेलकम पाउडर का ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि अब समर सीज़न स्टार्ट हो गया है और आफ्टर वैक्सिंग जेल भी यूज़ ज़रूर करना है क्योंकि आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करने से स्किन में काफ़ी ठंडक पड़ जाती है और क्लाइंट की स्किन काफ़ी सेफ हो जाती है। इसलिए ही तो बनाया गया है आफ्टर वैक्सिंग जेल। तो सबसे पहले हमने आपको ग्रोथ दिखा दी है, कितनी हैवी ग्रोथ हो चुकी है। अगर आप भी अपने हेयर्स में रेज़र यूज़ करते हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ भी इस टाइप की होने वाली है। तो इससे बेटर है कि आप वैक्सिंग करवा लें। अगर आप वैक्सिंग नहीं करवाना चाहते, अगर आपके कम हेयर ग्रोथ हैं तो रहने दें, पर अगर आप रेज़र यूज़ कर रहे हैं और 15 डेज़ या 20 डेज़ में रेज़र यूज़ करते जा रहे हैं तो ज़्यादा रेज़र का यूज़ करने की वजह से इतने हेयर्स हार्ड होते हैं। अगर आप कम रेज़र का यूज़ करते हैं, जैसे साल में या 6 महीने में एक आधी बार कर लिया, कोई बात नहीं, पर अगर आप रेगुलर 15 डेज़ में, 10 डेज़ में रेगुलर रेज़र यूज़ कर रहे हैं तो हेयर ग्रोथ का बढ़ना स्वाभाविक है क्योंकि रेज़र से क्या होता है, हेयर्स की जो जड़ें होती हैं वो एज इट इज़ रह जाती हैं और ऊपर के हेयर्स कट जाते हैं। और धीरे धीरे अगर आप रेगुलर इस प्रोसीजर को करते हो तो हेयर ग्रोथ ज़्यादा ही हो जाती है। और देखिए इनकी हेयर ग्रोथ कितनी हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्सिंग का प्रोसीजर। सबसे पहले हमने टेलकम पाउडर लगा लिया था, अब हम वैक्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं। गाइस देखिए, ऊपर के हेयर्स पर इन्होंने रेज़र यूज़ नहीं किया तो कितनी सॉफ्ट स्किन है इनकी और हेयर्स ज़्यादा भी नहीं है, पर इन्होंने अपनी स्किन के जो हेयर्स हैं रेज़र यूज़ कर करके नीचे ओवर हेयर कर लिए हैं ग्रोथ। तो अब वैक्सिंग की नीड इनको ज़्यादा पड़ने लगी है और अब ये ऊपर के हेयर्स पर भी वैक्सिंग करवा रही है ताकि इनकी स्किन में इवन लुक आए। वैक्स की एप्लीकेशन की गई है हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से, फिर वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है और आपने अपोजिट डायरेक्शन में वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर देना है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। और गाइस, जब भी आप वैक्स लगाते हैं तो क्लाइंट से पूछ लें कि वैक्स उन्हें ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रही। अब हमने ऊपर के हेयर में वैक्सिंग कर ली है, अब हम इनके जो हेयर्स हैं काफ़ी लॉन्ग हैं तो ऊपर से वैक्सिंग करते हुए लगाएंगे तो नीचे के हेयर्स भी कई बार क्या होता है, बीच में आ जाते हैं बिना वैक्स लगे, तो वह उनमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो गाइस, जब भी आप किसी की हैवी ग्रोथ वैक्सिंग करें तो आप कोशिश करें कि जब नीचे के हेयर्स में वैक्सिंग कर रहे हैं तो नीचे से ही स्टार्टिंग करें ताकि जो हेयर्स हैं वह खिंच के बीच में ना आए, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। इतने लंबे हेयर्स भी देखिए इनके खिंच के बीच में नहीं आ रहे। अगर आप सारे में वैक्सिंग लगा देंगे और एकदम से पट्टियाँ खींचनी शुरू कर देंगे तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हेयर आपस में उलझ जाते हैं और पट्टी भी चिपक जाती है और बाल खिंचता है और दर्द होता है। बस आपने इस बात का ध्यान देना है कि अगर हैवी हेयर्स हैं तो ऐसे जैसे चोरस में मैंने एप्लीकेशन की है, इस तरीके से एप्लीकेशन करके वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर दें। अगर आप ज़्यादा लंबे में करेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि क्लाइंट को पेन ज़्यादा होता है, कई बार क्या होता है कि बाल तोड़ होने की भी समस्या हो जाती है अगर आप लंबी लंबी पट्टियाँ खींचते हैं। तो ऐसे में चकोर में पट्टी लगाएं और चकोर में ही खींचते हैं, ईजिली वैक्स हो जाती है। अब इनके ऊपर के पार्ट की और लेग के नीचे के पार्ट की वैक्सिंग हो चुकी है, पर अब इनकी रह गई है सेंटर में घुटने के पास की वैक्सिंग। और गाइस, जब भी आप किसी की भी घुटने की वैक्सिंग करें तो आपने घुटने को मुड़वा लेना है, इस तरीके से टर्न करवा लेना है, क्योंकि अगर आप घुटने को ऐसे ही बिछे हुए में वैक्स की एप्लीकेशन कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से वैक्स की एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे घुटनों का जो एरिया होता है सिलवटों वाला होता है, वहाँ फोल्ड्स होते हैं, अगर आप वैक्स लगाएंगे तो वह फोल्ड्स में चली जाएगी। तो इसलिए आप इस तरीके से घुटने को टर्न करवा लें,
फिर आपने वैक्स की एप्लीकेशन करनी है, फिर वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएं एंड वैक्सिंग स्ट्रिप को पुल कर दें। देखिए कितने इजी तरीके से इनकी वैक्स हो चुकी है। गाइस वैक्सिंग करते समय आपने जब लेग वैक्सिंग करनी है तो पैरों को जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि पैरों पर तो लेग से भी ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो इसलिए टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है, हेयर्स हो या ना हो। आपने पैरों को भी साथ में इंक्लूड करना है। गाइस वैक्सिंग करवाने से क्या होता है, हमारी स्किन के हेयर तो रिमूव होते हैं पर स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव होती है, स्किन के डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि अगर इतने लंबे लंबे हेयर्स हैं, जब हम नहाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हमारी स्किन नहीं क्लीन हो पाती, तो हमारी स्किन पर एक टैन सा इकट्ठा हो जाता है। जैसे हम बॉडी वॉश लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो वो टैन के रूप में हमारी बॉडी पर इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में जब वैक्सिंग होती है तो वो टैन बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है और स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है, काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है, और उसके बाद हमारी स्किन के पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। और जो भी प्रोडक्ट हम स्किन पर बाद में लगाते हैं, बॉडी लोशन वगैरह, वह बहुत अच्छे तरीके से स्किन में वर्क करता है। तो इनकी फ्रंट लेग वैक्सिंग हो चुकी है, अब हम आ गए बैक साइड पर। बैक साइड पर इनके हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स की एप्लीकेशन की जा रही है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। इनके हेयर की डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थी, तो वैक्स की एप्लीकेशन भी हमने उसी तरीके से की है। गाइज आपने जब भी वैक्स की एप्लीकेशन करनी है तो क्लाइंट के हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से करनी है। अगर आप बिना हेयर डायरेक्शन के चेक किए वैक्स की एप्लीकेशन कर देंगे तो हेयर तो निकल जाते हैं पर वह जड़ से नहीं निकल पाते, और जो जड़ें रह जाती हैं बाद में आप वैक्स की कितनी भी रीएप्लीकेशन कर लें, वह नहीं रिमूव हो पाती। तो देखिए हमने इनके हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में ही वैक्स की एप्लीकेशन की है, सीधी वैक्स नहीं लगाई। थोड़ी सी दिक्कत होती है काम करते समय, पर जब क्लाइंट काम देखता है तो उसे एक भी हेयर दिखाई नहीं देता, ना ही रूट्स दिखाई देते हैं, और क्लाइंट काफ़ी सेटिस्फाई होके जाता है और उनकी हेयर ग्रोथ जो होती है कम होती चली जाती है। अगर जड़ें निकल जाएंगी तो हेयर ग्रोथ कम ही होगी। अब हम आ गए हैं इनकी आर्मपिट वैक्सिंग करने में, और गाइस आर्मपिट वैक्सिंग करने के लिए हमने यूज़ की है रिका वैक्स। इनके आर्मपिट के जो हेयर्स हैं वह भी काफ़ी हार्ड हैं, सिंपल वैक्स से रिमूव करने में थोड़ी दिक्कत आती है, और इसलिए हमने रिका वैक्स का यूज़ किया है। सबसे पहले आपने क्लाइंट की स्किन का मॉइस्चर चेक करना है, देन यूज़ किया था हमने रिका का प्री वैक्सिंग जेल, क्योंकि काफ़ी हार्ड हेयर्स हैं, वैक्स अगर चिपक जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो हमेशा आपने प्री वैक्सिंग जेल लगाना है। देखिए प्री वैक्सिंग जेल की एप्लीकेशन कर दी है और उसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और आपने इसके ऊपर डायरेक्ट टेलकम पाउडर की एप्लीकेशन नहीं करनी। पहले अच्छे से आपने किसी टिश्यू पेपर से स्किन को ड्राई कर लेना है, जितना भी एक्स्ट्रा प्री वैक्सिंग जेल लगा है उसे रिमूव कर देना है। रिका वैक्स का यूज़ करने से भी काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। रिका वैक्स जब हम यूज़ करते हैं तो हेयर गेन जो होता है कम हो जाता है, हेयर ग्रोथ काफ़ी लेट आती है, और जो हेयर्स आते हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड स्मूद आते हैं। देखिए प्री वैक्सिंग जेल को हमने हटा दिया है, जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा हुआ है उसे हटा दिया है। अब हम यूज़ करेंगे टेलकम पाउडर का, ताकि क्लाइंट की स्किन में जितना भी मॉइस्चर है वह भी कंट्रोल में आ जाए। उसके बाद वैक्स की एप्लीकेशन की जाएगी, और गाइज रिका वैक्स के बारे में सभी जानते हैं, रिका वैक्स करते समय जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, रिका वैक्स करते समय किन किन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, मैंने काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में बताया है। अगर आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करें, आपको उन वीडियो में रिका वैक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। तो अब हम वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे, आपने वैक्स के टेम्परेचर का ध्यान देते हुए वैक्स की एप्लीकेशन करनी है हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। अगर आप रिका वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने ध्यान देना है कि ना तो आपकी ज़रूर से ज़्यादा पतली लेयर होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा मोटी। अगर आप पतली लेयर से वैक्स करने जा रहे हैं और सोचते हैं वैक्स महंगी है तो पतली लेयर से हो जाएगी, नहीं, पतली लेयर स्किन में ही चिपकी रह जाएगी, प्रॉपर तरीके से वैक्स नहीं हो पाएगी। तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि अच्छे से लगाएं वैक्स को, इतनी वैक्स लगाएं कि क्लाइंट के हेयर्स अच्छे से कवर हो जाएं। अब हमने नीचे के हेयर्स की वैक्स कर दी है, ऊपर की साइड वैक्स करने जा रहे हैं, फिर से वैक्स की एप्लीकेशन की जाएगी। और गाइस रिका वैक्स का यूज़ करते समय आपने इस बात का भी ध्यान देना है कि आप इसकी रीएप्लीकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वन टाइम में तो यह वैक्स हेयर निकालती है, अगर आप इसकी 2 या 3 टाइम एप्लीकेशन कर देंगे तो ऐसे में क्लाइंट की स्किन पील हो सकती है। तो इस बात का ध्यान देना है, आप इसकी बार बार रीएप्लीकेशन ना करें। काफ़ी हार्ड हेयर्स हैं मेरे क्लाइंट के, क्योंकि ये अंडर आर्म्स में भी बहुत टाइम तक रेज़र यूज़ कर चुकी हैं, तो ऐसे में सिंपल वैक्स से इनके अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव होना मुश्किल होता, इसलिए हमने
रिका वैक्स का यूज़ किया है। देखिए कितने हार्ड हेयर्स थे जब रिमूव हुए हैं, तो इनके हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी आ गई है, पर इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है तो। और अच्छे तरीके से क्लीन करके फिर आपने यूज़ करना है लास्ट में कोकोनट ऑयल का, क्योंकि रिका वैक्स को आप आफ्टर वैक्सिंग जेल नहीं लगाएंगे। रिका वैक्स के बाद हमेशा कोकोनट ऑयल का यूज़ करें, क्योंकि रिका वैक्स को आप पानी से भी रिमूव नहीं कर सकते, ना ही आफ्टर वैक्सिंग जेल का यूज़ करना है।